हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स में आगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशंस देखेंगे, उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। मतलब कैपेसिटर को श्रेणी में जुड़ान करना है सीरीज में। सो अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा और किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है वो हमें सीखना है। क्लियर है? सो हमारे पास इसके बाद जो है, मतलब ऐसी सर्किट से आती है जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है कि भाई कैपेसिटर कुछ सीरीज में ज्वाइंट है, कुछ पैरेलल में ज्वाइंट है। अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, समतुल्य कैपेसिटेंस कितना है वो हमें ढूंढना होता है। तो हमें पहले सीरीज के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करनी पड़ेगी कि सीरीज में कैपेसिटर जब ज्वाइंट किए गए होते हैं तो उसका समतुल्य कैपेसिटेंस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे ढूंढते हैं, एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर पैरेलल के लिए भी इस तरह से सेम देखना है। सो हमारा पहला जो स्टार्टिंग पार्ट है वो यही है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को श्रेणी जुड़ान में किया गया है। तो हमारे पास हमने C1, C2, C3 ऐसे बहुत सारे CN तक कैपेसिटर श्रेणी में जुड़ान किए हैं, सीरीज में कंबाइन किए हैं। तो जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और उसको वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है, और अब इस कैपेसिटर्स को सबको हम चार्ज करेंगे। क्लियर है? एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल V है। तो मेरे पास C1, C2, C3 ऐसे CN तक कैपेसिटर है जिसको मैंने वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, एंड देन फाइनली पर्टिकुलर एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल V है। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, क्लियर है, तो अब करंट जो है इसमें से होते हुए जाएगा यूं। अब करंट के पास जाने का एक ही रास्ता है, सिंगल पाथ है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उन सभी कैपेसिटर के ऊपर विद्युत भार, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सब पे सेम होगा क्यू। इस पे और फाइनली सब कैपेसिटर्स के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब सब के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्यू जितना होगा, सब पे सेम होगा। सभी कैपेसिटर के पास विद्युत भार, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सब पे सेम होगा, सीरीज में है तब। क्लियर है? हाँ, अब सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है C1 का, C2 कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 है, C3 कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 है, और ऐसे ही CN के लिए भी पोटेंशियल होगा VN। तो इस तरह से होता है, चार्ज सेम होते हैं, पोटेंशियल सबका अलग होता है सीरीज में। क्लियर है? तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि मेरे पास C1, C2, C3 अप टू CN तक कैपेसिटर है जिसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, श्रेणी में जुड़ान किया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर एक कैपेसिटर के हिसाब से C1, C2, C3 का, वो होगा C1 का V1 है, C2 का V2 है, C3 का V3 है, और से CN का VN है। क्लियर है? सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज क्यू, क्योंकि श्रेणी में है। क्लियर है? तो ये हमें इतना बेसिक पता चल गया है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोटल पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल इज वी। हमें पता है कि ये सबके भले पोटेंशियल विद्युत स्थितिमान V1, V2, V3 है, लेकिन टोटल जो है वो V है। बैटरी का जो मेन पोटेंशियल है सबका मिला के V जितना ही होगा। सो इन सब का प्लस करूँ तो V जितना मिलेगा। सो द नेट पोटेंशियल इज V। सो V बराबर आएगा V1, V2, V3 ऐसे ही VN तक। आप इन सभी पोटेंशियल का प्लस करेंगे सो आपको V के बराबर मिलेगा। ओके, सो अब हमारे पास ये फॉर्मूला तो है और हमें पता है कि सभी पोटेंशियल को, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर आप एनर्जी कह सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर मींस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो टोटल एनर्जी है वो इसके बराबर ही रहेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के हिसाब से है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो अब मेरे पास वी नो दैट वन, हमें क्या एक फॉर्मूला पता है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V बराबर, क्लियर, क्यू बाय सी होगा, V इक्वल्स टू क्यू बाय सी होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी फिलहाल V को V रहने देता हूँ, V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू बाय C1, V1 की जगह लिख सकता हूँ Q by C1, V2 की जगह लिख सकते हैं Q by C2, उसका चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से C2। क्लियर है?
प्लस क्यू बाय सी थ्री डॉट 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 क्यू बाय सी एन। सो ये हमने इसकी वैल्यू पुट अप की है। अब ऑब्वियस है वी इज इक्वल टू भी हमें पता है क्यू बाय सी होगा, क्यू बाय सी इक्वल्स टू क्यू बाय सी वन, क्यू बाय सी टू, क्यू बाय सी थ्री डॉट 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 अप टू क्यू बाय सी एन हो जाएगा। क्लियर है? सभी क्यू कॉमन एंड गॉट कैंसल आउट। इसमें से सभी क्यू को बाहर निकाल लेंगे और इसके सामने चला जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज वही है जो सबके ऊपर है, वही मेन चार्ज है, तो वो कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास बचता है वन अपॉन सी इक्वल्स टू यहाँ पे वन बाय सी वन, वन बाय सी टू, वन बाय सी थ्री अप टू वन बाय सी एन। इसको हम बोलते हैं विच इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये पूरे सीरीज में सभी का मिला के समतुल्य कैपेसिटेंस बताएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएगा। तो सीरीज में जब भी कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उसको इसी तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। अगर आपके पास दो है तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू करना है। तीन कैपेसिटर सीरीज में है, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। ऐसे ही जितने भी n नंबर ऑफ कैपेसिटर है उसको फाइंड आउट करने का ये तरीका है। अब इसमें थोड़ा बेसिक और जान लें कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना, तो जो नेट कैपेसिटेंस है मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, समतुल्य कैपेसिटेंस, उसकी कीमत इन सभी से छोटी आएगी, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू गिरेगी जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम ही रह जाएगी। क्लियर है? याद रहे जितने भी पर्टिकुलरली कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो उन सब की जो भी वैल्यू है उससे कम वैल्यू किसकी आएगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। क्लियर है? तो सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू गिर जाती है कंपेयर टू इंडिविजुअल कैपेसिटर, और पैरेलल में बढ़ेगी, वो हम देखेंगे कैसे। सो ये हमारे पास है। अब मान ले पर्टिकुलरली कि हमारे पास मतलब सभी कैपेसिटर कि इफ़ सी वन इक्वल्स टू सी टू इक्वल्स टू सी थ्री इक्वल्स टू सी एन, मतलब मैंने जो भी कैपेसिटर्स कनेक्ट किए थे सभी कैपेसिटर्स के का वैल्यू जो है सेम है। क्लियर है? सो वन बाई सी वन बाई सी वन बाई सी वन बाई सी ऐसा हो जाएगा, दैट मीन्स एन बाई सी हो जाएगा। क्लियर है? सो वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू एन बाई सी। क्लियर है? और इसको हम सी डैश बोलेंगे ताकि सी सेम ना लगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको है वन बाई सी डैश, सो एन बाई सी हो जाएगा। तो सी डैश इज इक्वल्स टू सी बाई एन। सीरीज में जैसे मैंने बोला कैपेसिटर्स की वैल्यू गिरेगी, तो जो भी कैपेसिटेंस है आपके पास जो सब सेम वैल्यू के हैं जितने भी कनेक्ट किए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर है? सो ये है सीरीज वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलर देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर भी अगर उसमें किस्म का दिक्कत है तो यू कैन स्टिल आस्क मी। ये काफ़ी क्रूशल है क्योंकि सर्किट्स जो है हमारे पास सम से रिलेटेड, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइन करके कैपेसिटर्स होते हैं, तो हमें चीज़ों ब्रांच को देख के देखना पड़ता है कि कौन सीरीज में कनेक्टेड है और कौन पैरेलल में है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें ढूंढना होता है। सो गो थ्रू इट, खाली इतना समझ में आ जाना चाहिए और याद रहना चाहिए सीरीज में कैपेसिटर जो होते हैं वो सबके ऊपर चार्ज सेम होते हैं, पोटेंशियल सबके अलग होते हैं, पैरेलल में उसका उल्टा होगा। क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देख लिया है, तो अब उसके बाद का जो पार्ट है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अब हमारे पास कैपेसिटर जो है वो समांतर जुड़ान में है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो अब उसका समतुल्य कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें ढूंढना है सर्किट का, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा या फिर उसके लिए कैसी फॉर्मूला है? सो विल सर्च पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के। हमारे पास जो कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, मैंने अभी फिलहाल तीन ही लिए हैं, n नंबर ऑफ ले सकते हैं आप,
उनको हमने पैरेलल कनेक्टेड किया है, समांतर जोड़ान में किया है। तो अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा सीरीज के कंपेयर में, इसमें ऐसा है कि जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है विद्युत स्थितिमान वो सबका सेम होगा। इसका भी वी है, इसका भी वी है, इसका भी वी है, क्योंकि वो एक ही टर्मिनल से आ रहे हैं सब। क्लियर है? तो जितने भी कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सबका वो सेम होता है। क्लियर है? क्योंकि सब सेम टर्मिनल से आ रहे हैं, दैट मीन्स ये टर्मिनल मेरा ए और टर्मिनल बी, तो सबके कनेक्शन जो है ए बी में से ही जा रहे हैं। इसका मतलब वी 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 सबका वही है। हाँ, अब मैंने जैसे बोला था लास्ट सीरीज में, अब करंट को जाने के पास तीन रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सो वो तीन पाथ से जा सकता है। तो चार्जेस जो आएंगे टोटल क्यू वो इन तीनों में डिवाइड होंगे। क्लियर है? तो इस C1 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q1, C2 कैपेसिटर पे आ जाएगा चार्ज Q2 और C3 कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा Q3। तो इसमें चार्ज डिफरेंट होते हैं, पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में चार्ज सबके ऊपर सेम होते हैं, पोटेंशियल सबका अलग होता है। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, या फिर ये इतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ सीरीज में क्या है, चार्ज सबके ऊपर सेम रहते हैं क्योंकि पाथ सेम है, पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है। क्लियर है? पैरेलल में क्या है कि सब सेम टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं इसलिए सबका पोटेंशियल सेम है और चार्ज सबके ऊपर डिफरेंट है क्योंकि पाथ बहुत सारे अलग अलग होते हैं। क्लियर है? सो फाइन, तो उसके हिसाब से ही कि हमारे पास C1 C2 जो है पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, अब उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल V है, उसको चार्ज अप करेंगे तीनों कैपेसिटर को विद अ पोटेंशियल V। तो C1 के ऊपर चार्ज जो होगा विद्युत भार Q1 आएगा, C2 के ऊपर Q2 आएगा, C3 के ऊपर Q3 आएगा। तो ये चार्जेस हैं तीनों कैपेसिटर के ऊपर। ऐसे ही आप CN तक जाएंगे तो चार्ज Q1 तक हम ले सकते हैं। अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी ही रहेगा, मतलब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये तीनों तीन का पोटेंशियल जो है उतना ही होगा क्योंकि सब सेम टर्मिनल से आ रहे हैं। क्लियर है? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से कुल विद्युत भार जो है जो यहाँ से आया था इसमें से वो Q जितना था, अब Q के हिस्से पड़े हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, उन तीनों तीन का प्लस करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से तो वो Q के बराबर होने चाहिए। सो इसलिए हमने Q=Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा है। ये किस लिए लिखा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो कैसे लिखा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल के लिए। सो Q1 Q2 Q3 फाइन। अब हमारे पास वी नो दैट वन फॉर्मूला वापस पता ही है, वी नो दैट C=Q/V। सो Q=, हम लिख सकते हैं C×V। Q=, लिख सकते हैं C×V। तो Q1 की जगह, बराबर फिलहाल Q इसको यहाँ रख रहा हूँ मैं, Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V×C1, इसका पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल भी V है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C3 है। सो दैट मीन्स हम पर्टिकुलर CV जो हम लिख रहे हैं तो C1V, C2V प्लस C3V। एंड अगेन Q=, आप वो CV पुट अप कर सकते हैं। तो C जो है यहाँ पे वो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1V प्लस C2V प्लस C3V। वी कॉमन निकलेगा, कैंसल आउट, देयरफॉर C=C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमें मिला है क्या है, विच इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तीनों सर्किट का मिला के, जो समतुल्य कैपेसिटेंस होना चाहिए वो इस हिसाब से मिलेगा C=C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब पैरेलल में फिक्स है कि जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं उन सभी कैपेसिटेंस का आपको प्लस करना है। क्लियर है? तो जितने तीनों तीन C1 C2 C3 जो भी वैल्यू के हैं उनका प्लस करना है। सो इसमें भी अगर तीनों तीन कैपेसिटेंस इफ C1=C2=C3, क्लियर है? सो आपका C डैश मतलब मैं जो बोल रहा हूँ समतुल्य कैपेसिटेंस,
तो वो हो जाएगा C प्लस सी प्लस सी, क्लियर है? सो दैट मीन्स आपको 3 टाइम्स C मिलेगा। सो अगर n टाइम्स हैं, n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, क्लियर है? सो दैट मीन्स n C हो जाएगा, क्लियर है? ये समतुल्य कैपेसिटेंस है। ये क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं सिंपली कि भाई n कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो उसका समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा। तो n जो भी नंबर दिया है, यहाँ n है, सो n इंटू सी। अब ऑब्वियस है ये, इसमें ऐसा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हायर ही होगी। इंडिविजुअल कैपेसिटर से किसी भी एक कैपेसिटर जो भी कोई भी है उससे सबसे वो हाई वैल्यू का ही होगा, क्योंकि इसमें प्लस होके आ रहा है। सीरीज में आपने यह देखा है कि सीरीज में, क्लियर है, सीरीज में सी डैश इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर आपके पास सी बाय एन है, डिवाइड में है, और पैरेलल में जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो ऑब्वियस है पैरेलल में कैपेसिटेंस की कीमत बढ़ जाती है इक्विवेलेंट की, और सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू गिर जाती है इक्विवेलेंट की, क्लियर है? तो इसमें ऐसा ही है कि सी डैश की कीमत किसी भी सी से बड़ी होगी, इसमें सी डैश की कीमत जो है किसी भी सी से छोटी ही होगी, क्लियर है? तो ये डिफरेंस है सीरीज एंड पैरेलल का। अब इनको कंबाइन भी कर सकते हैं कि एक ही सर्किट के अंदर कुछ कैपेसिटर सीरीज कनेक्टेड है, फिर उसका कॉम्बिनेशन वापस पैरेलल में भी कनेक्टेड है दूसरों के साथ, सो दैट वे पूरे सर्किट को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी हम कुछ चीज़ सीखेंगे बाद में कि भाई सर्किट ऐसे सम्स जो हैं कि भाई कुछ कैपेसिटर सीरीज और कुछ पैरेलल है, उनका कनेक्शन वापस एक दूसरे के साथ सीरीज या पैरेलल में है, तो वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो बेटरली आप पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, बेसिक कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। बेसिक पैरेलल में देखिए यही है कि टर्मिनल एक ही होता है सबके लिए, इसलिए सबका कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम होगा, वी ही होगा जो बैटरी का है। हाँ, पाथ बहुत सारे होते हैं इसलिए सबके ऊपर चार्ज अलग अलग होंगे पैरेलल में, क्लियर है? जबकि सीरीज में ऐसा है पर्टिकुलरली कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन पाथ एक ही होने की वजह से सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम ही होगा, क्लियर है? तो वो चीज़ अगर आप समझ ले सीरीज और पैरेलल के लिए, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बेसिक क्वेश्चंस जो है इसमें से भी पूछे जो जा सकते हैं कि भाई सीरीज में है तो आपको सीरीज में है तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितने कैपेसिटर है तो कैसे ढूंढा जाएगा, और ये जनरल फॉर्मूला है ये दोनों, क्लियर है? एन कैपेसिटर्स सीरीज में, पैरेलल में एन कैपेसिटर सीरीज के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस यू कैन स्टिल आस्क मी। हम ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर के एंडिंग तक पहुंच चुके हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से ताकि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।